मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। वीडियो पॉसिबल वही बना रहे सेकंड पेज। इसका पहला क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू गो ऑन सम टूर्स एंड वेकेशंस, इफ यस वेयर? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैम, आप कहाँ जाना चाहेंगी, नेशनल या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल में ऑस्ट्रिया जाना। ऑस्ट्रिया, ओके। और नेशनल के बारे में बहुत कुछ सुना है आपको? ओके, ऑस्ट्रिया, ओके। तो मैं आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया। और नेशनल? नेशनल में तो बस ये कि आप गुजरात जाएंगे। नहीं, आपका और भी कोई विश है जहाँ जाना चाहते हो? विश तो है पर अब मैं कर नहीं पाऊंगी इसको, क्योंकि मेरी वो हेल्थ नहीं अलाउ करती। बट फिर मेरी फिर भी कहीं इच्छा है आपकी? मेरी अमरनाथ। अगर हाँ बिल्कुल, हम लिख रहे हैं बिल्कुल। हमारी केवल अगर लॉटरी भी चलेगी, नदी चलेगी तो लेके जाएंगे ना? जाएंगे हम, अभी आत्मा से होएगी इसके बाद। हाँ, मैम आपका नेशनल? केरला। केरला, ओके। और इंटरनेशनल? नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड टू गो? आई एम गोइंग टू अमेरिका। अच्छा, तो अभी आपको केरला जाना है? मैम आप? I went to Kochi by water and I again want to go to Kerala. Oh, very nice. International, I like Singapore. Singapore you want to go again? Again. Okay, perfect. Ma'am, up? Kerala. Okay. And international, ma'am? Singapore. सर आप कहाँ जाना चाहेंगे? हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं, एक कोई बहुत मन जहाँ है कि हम जाएं। I like every place in India. एक कोई चीज बोलूं सर, एक जगह आपको, आप बोले सर कल आप गोवा। गोवा, ओके। और इंटरनेशनल सर? इंटरनेशनल आई डोंट वांट टू गो। अच्छा, आई विल नॉट गो टू दिस। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड, सर मैं तो मध्य प्रदेश जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ठीक है वहाँ क्लाइमेट, ना ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय एज सर्दियों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो घूमने जाना, वहाँ मान है घूमने जाने का? घूमने भी, और अगर वहाँ रह सके तो रह भी जाएगी। आपके लिए कोई शादी का ऑप्शन तो ना मध्य प्रदेश में? कई बार इस एज में होता है कि कोई घर वाले भी कह रहे थे कि इस एज के लोग तो वानप्रस्थ ले लेते हैं, तो वानप्रस्थ ऐसी जगह क्यों ना लिया जाए अपनी मर्जी से? मध्य प्रदेश चले जाओ, ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, विदाउट रिजाइज हो जाएंगे और चंद्र से भी काम चल जाएगा। कमांडर आप कमांडर तो वैसे मिल जाए, वो तो पेंशन दे ही देगा, कमांडर की जरूरत ही नहीं है। तो अच्छी बात है। और सर इंटरनेशनल? सिंगापुर, ओके। सर आप बताइए? केरला। केरला। और सर इंटरनेशनल? यूएसए। यूएसए, ओके। सर आप? गोवा। गोवा, ओके। हम ये इकट्ठे ही रहेंगे, हम दोनों सी बीच में जैसे रहेंगे। और सर इंटरनेशनल? सी बीच के लिए ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑस्ट्रेलिया। सर आप नेशनल? नेशनल उदयपुर। उदयपुर, इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी,
आई वुड लाइक टू गो ऑन अ कंडक्टेड टूर नॉट हस्बैंड वाइफ अकेले जा रहे हैं पागल की तरह कोई और साथ होना चाहिए वेरी गुड हां माने वो यू कैन मूव बट बाय योरसेल्फ ग्रुप 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 नॉट नॉट हां ये ग्रुप का ही लिख रहे हैं हम बिल्कुल बिकॉज़ वी हैव नॉट इस टू डू लिखा अच्छा नॉट किसी ने भी लिखा किसी ने भी बोला हां नॉट इस लिखा लिखिए सर एसओटी जी एट ही एट द बैक मतलब गुड एक्सपीरियंस मतलब ये पार्टनर ये बीच में तो हम अभी वी हैव रिटन डाउन ऑल द विश लिस्ट ऑफ द प्लेसेस नाउ वी विल मेक अ कंप्लीट एनालिसिस एंड अगेन वी विल डिस्कस अबाउट इट next time when we again meet specially extortion ka so next question pe aate hain any fun activity you would like to do with a companion so for instance aap jo koi bhi fun activity aap karna chahenge hamare sath agar hum aapke paas aaye aapke sath mile to kya fun activity aap karna chahenge मैंने कुछ और किया था मैंने कुछ और किया आपके साथ करना अगर मैं आपकी कंपेनियन हूँ आपकी फ्रेंड हूँ तो आप मेरा क्या एक्टिविटी करना चाहोगे मैं सबसे पहले ये करूँगी अपना मोटापा आपको देना चाहूंगी थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हाँ मतलब आप चाहते हो फिजिकल एक्टिविटी मेरे मन तो बहुत ही योगा करने में तो स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम से कर रहा था योगा और तंबोला योगा और तंबोला मतलब कोई गेम्स हो कोई फिजिकल हाँ गेम्स हो इंटरेस्टिंग ऐसा था कब मजाक किसी का वो मजाक कर आई वुड लाइक इफ देयर इज समवन अवेलेबल टू मी देन आई वुड लाइक टू गो फॉर अ प्ले 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 व्हिच आई डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी अच्छा ओके ओके मैम आप क्या कुछ फन एक्टिविटी करना चाहेंगे अगर हम आपके साथ आते हैं मिलते हैं आपसे क्या सिखानी है मतलब आपका जो मन है जो आप करना चाहते हैं जो आप कर नहीं पा रही सब कुछ कर पा रही हूँ मतलब कुछ भी फन चीज करने का मन है आपका जो किसी के साथ करना पसंद करेंगे कोई फन चीज नॉट अलोन बट विद समवन example like playing cards or like going on for a walk in a park or a movie or like going on for like a coffee date kind of a this thing any art activity discussion on politics or yoga or politics pe to main coffee aapke saath wo discuss so maybe an intellectual discussion right right okay very very interesting ma'am very yes. good ma'am aap kuch मेरा भी फेवरेट है सुडोकू एंड रीडिंग रीडर डाइजेस्ट पुरानी बड़ी है ओह आई स्टिल कीप ऑन वन थिंग आई ऐड एंड ऐड शी इज अ वेरी गुड सिंगर अच्छा वेरी वेरी गुड सिंगर क्योंकि एक एक्टिविटी मैं बता दूं शी ही बजाना आता है जो मैं को नहीं आता जीरो नहीं आता क्या मजे नहीं आते बिल्कुल मैम आप बड़े जबरदस्त अपनी हॉबी अलग कर सकते हैं वही बोलेंगे आपको टॉक्स एंड जोक्स ओके कक्षा यही मेरा भी कक्षा ओके दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग मतलब उसमें हंसी मजाक में सब कुछ आ गया एग्जैक्टली सर बस वैसे थोड़ा बहुत खेलना बहुत तो बोला अच्छा सम गेम्स सम गेम्स लेकिन बेटर सर सिंगिंग एंड डांसिंग सिंगिंग एंड डांसिंग ओह वेरी नाइस सर म्यूजिक एंड तंबोला म्यूजिक एंड तंबोला चेस
कौन कौन खेलते थे आप खेलते हो खेलना चाहते हैं अच्छा खेलना चाहते हैं हमें हमें भी नहीं आता आता था लेकिन भूल गई हम में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कोई नई टेक्नोलॉजी लर्न करने में मतलब जैसे आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ रही है फेसबुक स्काइप इंस्टाग्राम गूगल सारे मतलब इतने सब सब चाहते हैं ना हम नए नए मतलब अपने बच्चों के साथ ग्रैंड बच्चों के साथ कुछ उनके साथ थोड़ा ट्यून होके चले नहीं तो वो सब तो आता है समथिंग डिफरेंट यू नो I mean, if you if one has to live one's life again, then you know, then some new thing that one would like to सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे सिखाते भी नहीं है वो पेशेंस नहीं है ना हम बिजी हैं नहीं मैं अपने ग्रैंडडॉटर को बोलता मेरे को सिखा दे वन लेसन 500 प्लस जीएसटी सबसे बड़ी बात है माउस छेड़ो तो तीर ही लगते रह जाते तीर भी आ गए कोई बात है ना 500 प्लस जीएसटी में जीएसटी क्या मतलब मेरा वो रेट है करना करो नहीं आपकी मर्जी जनरेशन क्या है वो हम लोग चाहते हैं हम ये जैसे वो तो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं कोई भी चीज हमें टाइम लगेगा तो नानू आपको तो ये आता ही नहीं है छोड़ो आप कुछ और खेलो आप टीवी देखते रहो नहीं आपको पसंद नहीं है आपको पसंद नहीं है अब अभी बोलते हैं वो कोई नहीं बोलेंगे हमारे इवेंट खत्म हो जाते हैं अल्लाह वैदिक प्रांत बातें कर दो आज मतलब सुबह क्या किया था वही पूछा के अब कुछ चीज रख के भूल जाते हैं नहीं 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 सुबह वाइफ ने कहा मोटर स्टार्ट कर दो पानी टंकी में नहीं है एक घंटे में भर जाती है मुझे दो घंटे तक याद ही नहीं आया थोड़ी देर के ऊपर जब पानी गिरने लगा मैंने कहा मैं तो नहा रहा था मुझे क्या पता पानी मैं सोचा भूल जा ऐसी बात याद रखने वाली होता है पानी पानी पड़ती है लेकिन कभी कभी अच्छा हम में से कितने लोगों को असिस्टेंस चाहिए होती कोई हमारे पास आए हमारे बिल्स हमारे बैंक की चीजें हमारे हॉस्पिटल विजिट्स कोई पर्सन हो जिसको हम ट्रस्ट कर सके जो हमें हेल्प कर सके इन टर्म्स पे जितने भी होम मैनेजमेंट हमें कुछ कुछ इश्यूज आते हैं कि बिल क्यों ज्यादा आ गया मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा अकाउंट में कोई गिफ्ट खरीदना है अपने उसके लिए ऑनलाइन कुछ चीजें मंगानी है हमें मन करता है कोई पर्सन हो जो हमें हेल्प करे इन चीजों के लिए ऐसे है कोई कोई है हमें से होम मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज है नॉट येट बट एनी टाइम आई वन कुड बी यू नो वी आर ऑफ थ्री प्रिपेयर्ड फॉर इट नॉट राइट नाउ बट एनी यू नेवर नो सबसे बड़ी बात है जहाँ हम बोलना चाहते हैं वो हमारी सुनते नहीं है ना तो वहाँ गुस्सा आता है कि कोई ऐसा हो जो हमारी बात वहाँ पहुँचा सके बैंक में हो गया कहीं भी हो गया कई जगह कितना वो मिसमैनेजमेंट है तो वो नहीं सुनते तो गुस्सा आता है कि